ये वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो बरसात के समय किन्हीं दोस्तों के ग्रुप द्वारा किसी तालाब के पास पिकनिक मनाने का नहीं है। बरसात के पानी ने जमा होकर जो तालाब का रूप ले लिया है और आपको वहां पर आग जलती हुई जो दिखाई दे रही है, यह पिकनिक के लिए जलाई गई कोई सिगड़ी नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। जी हाँ साथियों, मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास की धज्जियां उड़ा दी, उनके विकास की पूरी पोल खोल के रख दी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल वह तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर हमें मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बामसौली के गांव कोलूडाणा के ग्रामीण जनों ने भेजी हैं। करीब 1000 से ज्यादा दलित आबादी वाले इस गांव में बरसात के दिनों में अगर कोई गमी हो जाए तो ग्रामीण जनों को अंतिम संस्कार के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बरसात होने पर ग्रामीण चिता के ऊपर प्लास्टिक पकड़कर अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन यह तस्वीर बयां कर रही है कि किस देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और तमाम सरकारों ने किस प्रकार खोखला किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को युवाओं का मामा बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के लिए कितना विकास किया है, यह आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज के लोग कितने भोले होते हैं कि वह बड़ी ही आसानी से कह देते हैं बीजेपी नहीं, कांग्रेस अच्छी पार्टी है। आपको बता दें, यह ग्राम पंचायत बामसौली कोलूडाड़ा गांव सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां से जो विधायक हैं वह कांग्रेस के हैं। ग्रामीण जनों ने समस्याओं को लेकर क्षेत्र के विधायक एडवोकेट बैजनाथ कुशवाहा को भी अवगत कराया, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। ग्रामीण जनों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस आवेदन पत्र में क्या लिखा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। श्रीमान विधायक महोदय, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश, सेवा में नम्र निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत बामसौली के मजरा कोलूडाड़ा में शमशान घाट की बहुत समस्या है, जिसके कारण बरसात के समय मृत का दाग संस्कार करने में हम ग्रामवासियों को प्लास्टिक तान कर उसका दाग संस्कार किया जाता है एवं हम ग्रामवासियों ने यहाँ के सरपंच महोदय से भी कई बार निवेदन किया है और सचिव महोदय से भी कई बार निवेदन किया है, पर कोई नहीं आता है। सुनने की वजह यह है कि वह पूरा गांव दलितों की बस्ती है, इसलिए हमारी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। अतः हमारा निवेदन माननीय विधायक महोदय से है कि हमको जल्द से जल्द शमशान घाट कार्य हेतु स्वीकृत किया जाए, तो श्रीमान हमारे गांव के ऊपर आपकी अति कृपा होगी। यह कैसी दलित देसी कांग्रेस है, इस पर बहुजन समाज के लोगों को, खासकर दलितों को विचार करने की आवश्यकता है। दादा, आपको दाग संस्कार करने के टाइम पे क्या दिक्कत आई थी? कल 14 अगस्त के दिन साहब मौत भाई पत्नी की और बहुत परेशानी आई और चद्दर पद्दर की कोई व्यवस्था नहीं थी, प्लास्टिक तान तान के लाश जलाई, फिर भी जली रह गई, फिर दोबारा भी हमने प्लास्टिक मंगा के फिर बहुत तो प्लास्टिक थे, जब बड़ी मुश्किल थे पूरी शांति तो मिली और परेशानी इतनी है साहब कि बहुत ज़्यादा पानी चटाम और निकल गो, इतना भयंकर पानी था ताकि अदन ही तो सेक्रेटरी सुने और न सरपंच सुने न कोई गांव का मुखिया सुने, तो आपके पास में शिकायत जो करते हैं तो आप पेंटिंग में डाल देते हैं, हमारी कोई शिकायत ये शमशान घाट को लेकर अपने गांव में क्या समस्या है? सर, समस्या ही समस्या है। एक समस्या तो ये है कि हमारी हरजन बस्ती 500-600 के आसपास है और जैसे हमारे बुजुर्ग लोग, बूढ़े पुराने, लड़का महिला सभी खत्म होते हैं तो रास्ते की परेशानी है और उसके उपरांत दूसरी समस्या ये है कि हम अपने जो पेशेंट मर जाता है तो उसकी माने पन्नी तान तान के माने उनका दाग संस्कार किया जाता है, करते हैं अपन लोग। इसलिए हमने विधायक विधायक से भी कहा, सरपंच से भी कहा और सेक्रेटरी
ऐसे भी कहा, कोई नहीं सुनता, कोई भी सुनवाई हमारी है, आज तक नहीं सुना। अरे साहब परेशानी बहुत है ना, आने जाने के रास्ता भी नहीं है, कहते थे पानी घोटी घोटी पानी में जाना पड़ता है और कोई रपट जाता है कीच में और लाश में घोटी घोटी पानी में डूब रही है लाश, वो जला रहे हैं अपन, क्या करें परेशानी। ये परेशानी हमारे लिए तो रास्ता हो जाए और शमशान घाट बन जाए वहाँ पे, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता, न सेक्रेटरी न सरपंच न कोई भी नहीं सुन रहा अभी तक। माना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक विधायक किसी गांव में शमशान घाट की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करा सकता। इस बात का जवाब कांग्रेस के उन लोगों और स्थानीय विधायक बैजनाथ कुशवाहा को जरूर देना चाहिए। दलितों को भी समझना चाहिए, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस के उन नेताओं तक जरूर पहुंचाएं जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कांग्रेस दलित हितैषी पार्टी है। उनको भी तो पता चले कि ये दलित प्रेम कितना है, क्योंकि ये जो गांव की समस्या है ये समस्या सिर्फ इसलिए है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो केवल और केवल दलित हैं। इसमें दलितों के अलावा अदर समाज का, सवर्ण समाज का कोई भी परिवार नहीं रहता है। शायद इसीलिए इस गांव के लोगों को आए दोनों ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।